हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वीपी लर्निंग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि मोबाइल टावर पर रेड लाइट की बत्ती क्यों जली हुई होती है, इसके पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों, आपको मिलेगा इस वीडियो में इसका सही जवाब। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टावरों पर लाल रंग की बत्ती इसलिए लगाई जाती है क्योंकि टावर की ऊंचाई अधिक होती है। ऐसे में उस रास्ते से गुजरने वाले प्लेन या हेलीकॉप्टर के उससे टकराने खतरा बना रहता है। इसीलिए टावर या किसी अन्य ऊंची इमारत जिसकी ऊंचाई 45 मीटर से अधिक है, उस पर लाल रंग की बत्ती लगाना अनिवार्य है। विशेष तौर पर टावर पर यह इसलिए लगाया जाता है ताकि प्लेन के पायलटों को यह पता चल जाए कि नीचे कोई वस्तु है। इसके अलावा टावर या ऊंची इमारत जिन पर लाल रंग की बत्ती लगी होती है, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले प्लेन को यह राह दिखाने का कार्य करता है। पुराने समय में जब हेलीकॉप्टर उड़ते थे तब आसमान मोबाइल के टावर से क्रैश हो जाया करते थे। वह दुर्घटना ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा होते थे। ठंड के कारण घना कोहरा हो जाता था और सब कुछ धुंधला नज़र आने लगता था। इस समस्या का समाधान करने के लिए मोबाइल टावर के पास लाल लाइट लगा दिया गया। इससे फ़ायदा यह हुआ कि जब कोई हेलीकॉप्टर आता तो उन्हें यह लाइट दूर से ही नज़र आ जाती थी और वो अपना हेलीकॉप्टर दूसरी दिशा में मोड़ देते थे। लाल रंग का लाइट प्रयोग करने का सबसे मुख्य कारण यह है कि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। रेड कलर दूर से ही बहुत अच्छी तरह से नज़र आ जाता है और अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी खतरे की निशानी लाल रंग से ही दर्शाया जाता है। आपने यह भी देखा होगा कि मोबाइल टावर हमेशा लाल और उजला रंग से ही रंगा जाता है। दोस्तों, आई होप वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली फैक्ट्स वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।